यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां सैफुल अब्बास ने समर्पण निधि में हिस्सा लिया। जी हां, खबर यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां अल्पसंख्यक मोर्चा जिला महामंत्री गंगा पार भाजपा सैफुल अब्बास के हंडिया स्थित आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान श्री राम मंदिर निर्माण समर्पण निधि को लेकर चर्चा की गई, जहां पर सैफुल अब्बास द्वारा समर्पण निधि पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष अमरनाथ तिवारी को सौंपी गई। इतना ही नहीं, उनके साथ मुस्लिम समुदाय के कई समर्थकों ने भी समर्पण निधि प्रदान करते हुए हिस्सा लिया, जिसको लेकर समर्पण निधि प्राप्त करने आए भाजपाइयों ने खुशी जताई। सैफुल अब्बास के साथ साथ वसीम खान, मोहम्मद शफीक, इमरान अब्बास लखते, हसन सैयद अली, सफरदर मोहम्मद, नासिर अख्तर अली, ताहिर हुसैन, अजमी हसन अली अब्बास, अजीजुल हसन समेत कई समर्थकों ने समर्पण निधि देकर हिस्सा लिया। इस मौके पर अमरनाथ तिवारी, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा अरुण कुमार मिश्र, विष्णु पांडे, जिला संयोजक डॉक्टर क्रांति तिवारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य, किसान मोर्चा समेत तमाम लोग मौजूद रहे। देखे हंडिया से प्रदीप मिश्रा की। समर्पण राशि दी है और दिलाने में भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हमारे नगर पंचायत हंडिया और गंगा पार से ज़्यादा अल्पसंख्यक मोर्चे से चंदा जाए, और जिससे कि पता चले कि अल्पसंख्यक मोर्चे से भी अच्छी राशि, समर्पण राशि आई है, और इसमें हम लोगों का पूरा सहयोग है और रहेगा। एक चीज़, दूसरी चीज़, भगवान श्री राम हमारे भी पूर्वज हैं, हमारे समुदाय और हमारे समाज के भी पूर्वज हैं, तो भगवान श्री राम का मंदिर है तो हम लोग भी कल्पना करते हैं कि भव्य मंदिर बने और एक बड़ा पर्यटक स्थल बने, जिससे कि देश विदेश से सैलानी आए देखने के लिए, और उससे बड़ा मंदिर भारत के अंदर कोई ना हो, सबसे बड़ा मंदिर है। इनके नेतृत्व में आज अल्पसंख्यक बंधुओं ने यह आग्रह किया था कि हम भी राम जन्मभूमि राम मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग देना चाहते हैं, धनराशि देना चाहते हैं, समर्पण निधि देना चाहते हैं, और इस दृष्टि से हम लोग आज यहाँ कार्यक्रम में आए थे। और माननीय सैफुल अब्बास जी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के बंधुओं ने राम मंदिर के लिए सहयोग किया। कहा जाता है कि प्रयागराज जनपद में गंगा जमुनी तहजीब आज भी अपनी मिसाल पेश करती है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए भाई, बिल्कुल तहजीब भी है, और यह जो काम राम मंदिर निर्माण का चल रहा है, पैसा देने वाले तो बहुत लोग हैं, ऐसे उद्योगपति देश में हैं जो चाहते थे कि हम अकेले मंदिर निर्माण करवा दें, लेकिन आज हम देखते हैं कि देश में बिरला जी ने बहुत मंदिर बनवाए हैं, जेके हमारे जो उद्योगपति हैं उन्होंने बनवाए हैं। वहाँ जाने वाला व्यक्ति ये नहीं कहता कि हम किस देवता की पूजा करने जा रहे हैं, आराधना करने जा रहे हैं, पूछिए तो कहेगा बिरला मंदिर जा रहे हैं। हमारे संगठन की या राम जन्मभूमि मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, हमारी ये मान्यता है कि ये संदेश जाए और ये सही बात भी रहे कि हमारे भारतवर्ष के पूरे देश के हर व्यक्ति को, हर परिवार को लगे कि इस राम मंदिर के निर्माण में हमारा सहयोग है। इसलिए हम गरीब से गरीब व्यक्ति का भी, जो 10 रुपये भी दे सकता है, उसका भी सहयोग ले रहे हैं, समाज के सभी वर्गों से सहयोग ले रहे हैं। हम राम मंदिर के